जियो सबमरीन केबल गाइस, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है रिलायंस जियो की तरफ से। और गाइस मुकेश अंबानी यानी कि हमारे अपने मोटा भाई, पड़ोस में तो रहते, रोज उठता बैठता हूँ उनके साथ में। और गाइस ये बिग प्लेयर बनने वाले हैं इंटरनेशनली इंटरनेट प्रोवाइडिंग यानी कि इंटरनेट कनेक्शंस के अंदर। गाइस सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। गाइस अगर आप समझेंगे ध्यान से तो गाइस आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गाइस क्या जियो सबमरीन बना रहा है? नहीं, सबमरीन नहीं बना रहा यार, सबमरीन केबल्स लगा रहा है। कैसे? कहीं जो ओशंस के अंदर हमारा जो लैंड होता है, कहीं डेप्थ होती है, कहीं वहाँ पे ये केबल्स बिछा रहे हैं जिसके थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। और कहीं खाली इंडिया के अंदर ही नहीं, एशिया, यूरोप, सिंगापुर, हांगकांग, इस हर जगह ये केबल्स बिछा रहे हैं। और गाइस ये हर एक रीजन को इंटरनेट कनेक्शन देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या गाइस आपको पता है कि इनकी केबल्स कितनी लंबी हैं? बताऊँ आपको, 16,000 किलोमीटर की ये केबल्स बिछ रही हैं। इमेजिन 16,000 किलोमीटर की केबल्स ओशन के अंदर बिछाई जा रही है। OMG। और गाइस ये जितनी भी केबल्स हैं गाइस सारी की सारी ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड हैं, यानी कि आपको इंटरनेट रिलायबल एंड फास्ट मिलेगा। यानी कि गाइस हमें कोई भी मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया ना, मैं बताता हूँ, मैं एलन मस्क की बात कर रहा हूँ, मस्का। गाइस एलन मस्क आपको पता है उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू वो फास्टेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और गाइस लास्ट टाइम न्यूज आई थी कि वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इंडिया में के आने वाले हैं, यानी कि अब हमें उनके स्टारलिंक के प्रोजेक्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। हम अपना जियो इंडियन स्पेसिफिक यूज करेंगे और हमें कोई भी मस्के की जरूरत नहीं है। गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी इंटरनेट कनेक्शंस होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका जो है जो सेंटर होगा यानी कि हब होगा, वो गाइस इंडिया के अंदर होगा। और गाइस ये बहुत ही बड़ी चीज है क्योंकि गाइस प्राइवेसी और डेटा हमारा इंडिया के अंदर ही रहेगा। जैसा कि आपको पता है पबजी और टिकटॉक प्राइवेसी की वजह से बैन किए गए थे, और गाइस ये लोग हमारी प्राइवेसी और डेटा यूज भी करते थे, लेकिन अब ये उनके लिए उल्टा हो गया है। अब उन लोगों का डेटा इंडिया के अंदर स्टोर होगा। दैट्स अमेजिंग। तो गाइस अब मैं उन्हें फोन करके बोलेगा, ए अपन बड़ा आदमी हो चुका है क्या, तेरा डेटा एंड प्राइवेसी अपन के पास है, ज्यादा एडा चाली नहीं करेगा, और करेगा ना तो तेरा डेटा ठेली पे बेचेगा क्या। और गाइस ये ओवरऑल इंटरनेशनल नेटवर्क मैप बनाने वाले हैं, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। गाइस ये तो थी इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसकी नीड कैसे आई, इसकी नीड कैसे जनरेट हुई। गाइस जैसा कि आपको पता है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज की जो मांग है मार्केट के अंदर वो गाइस बहुत ही ज़्यादा है, और गाइस बहुत सारे लोग वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं। दैट्स वाई गाइस डेटा की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। और गाइस साथ ही साथ जितनी भी बड़ी जायंट टेक कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गाइस आने वाले टाइम में गाइस ये गेमिंग स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी लेके आ रही हैं इंडिया के अंदर। सो गाइस इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट का हाइप मचा हुआ है, और गाइस जो इंटरनेट की नीड है वो बढ़ती चली जा रही है। और गाइस इसका मैसिव रीजन ये भी है कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक गाइस लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, जिससे कि इंटरनेट की जो नीड है वो और भी ज्यादा हो गई है। और गाइस रिमोट वर्क बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि एक पूरी की पूरी फोर्स रिमोटली काम करती है। और गाइस साथ ही साथ IoT डिवाइसेस का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और गाइस ये IoT डिवाइसेस हमारा फ्यूचर होने वाला है, और गाइस ये भी इंटरनेट से चलती है, तो दैट्स व्हाई इंटरनेट की नीड पड़ी। और गाइस जियो ने इस पे हाथ लिया है, और गाइस आने वाले टाइम पे इंटरनेशनली इंडिया बहुत ही बड़ा प्लेयर होने वाला है इंटरनेट नेटवर्क के अंदर। और गाइस आपको यूज करने के लिए सर्विसेज कब मिलेंगी? गाइस बताया जा रहा है 2023 के एंड में, यानी कि 2023 के लास्ट क्वार्टर में आपको ये सर्विसेज देखने के लिए मिलेंगी। एंड गाइस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू यूज जियो सबमरीन केबल नेटवर्क्स इन इंडिया। सो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी यूनाइटेड एंड स्टे सेफ।